हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन रेसिपी। इसके लिए मैंने जो है 1.5 किलो चिकन लिया है, जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले ही। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पतीला लेना है, उसमें चिकन ऐड करना है, थोड़ी सी हल्दी, नमक, पानी ऐड करके हम इसमें जो है एक बॉयल लाएँगे, जो मैंने पहले ही कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है एक उबाल के बाद हम इस चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने पैन में जो है ऑलरेडी तेल जो है गरम कर लिया था। अब मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी। चिकन को जो है हमें अच्छे से फ्राई करना है, हर साइड से फ्राई करना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने अलग से पैन में तेल लिया है और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अब ऑनियन जो है फ्राई करूँगी। तो चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन बनता है। आप जो है एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। जो अनियन है इसको हमें ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करना है, ना ही इसे कच्चा रखना है, मतलब अच्छे से इसको पकाना है। अभी ये अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं, इसको मैं 2-3 मिनट तक और फ्राई करूँगी। इसके बाद जो है मैं इसमें अब टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं टमाटर और अनियन को दोनों को अच्छे से फ्राई करूँगी। थोड़ा सा नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ताकि दोनों सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से, और 2-4 मिनट तक मैं इसको और फ्राई करूँगी। इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए ढक लूँगी ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं इसको मैंने 2 मिनट के लिए ढका था। अब जो टमाटर और ऑनियन है अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए हैं। स्पून की मदद से इसको मैं थोड़ा मैश कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, और थोड़ा सा चिकन मसाला मैंने ऐड किया। अब मैं इसको जो है 2-3 मिनट तक और फ्राई करूँगी। वैसे इसमें मैंने जो है तेल निकाल लिया था क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया था इसमें, तो ज़्यादा तेल खाना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैंने निकाल लिया था ऑयल इसमें से, काफ़ी निकाला। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है कलर बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको 1-2 मिनट तक और मैं पकाऊंगी। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो ग्रीन कार्डमम और ब्लैक कार्डमम मतलब बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, इनको थोड़ा सा मैं मैश करूँगी क्योंकि मुझे साबुत अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे जो है जो टेस्ट है और ज़्यादा इन्हेंस होता है। और मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी, और इसको 2-3 मिनट तक जो है कुक करूँगी। 2-3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें जो है चिकन ऐड कर रही हूँ, और उसको भी लगभग 5-7 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं वो चिकन में अच्छे से मिल जाए। और इसको जो है लगभग 5-7 मिनट तक जो है अच्छे से कुक करेंगे। ढक्कन देके मैंने कुक किया था, आप देख सकते हैं। और लास्ट पे मैं क्या करूँगी, इसमें जो है धनिया ऐड करूँगी। ये जो हमारा चिकन है वो अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं जो इसका कलर है बहुत ही अच्छा कलर आया है। जो इसकी ग्रेवी है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है, जैसी चावल के साथ खाई जाती है वैसी ही है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं जो चिकन है ये भी अच्छे से फ्राई हुआ है और कच्चा भी नहीं है, ग्रेवी भी अच्छी बनी है इसकी। तो आप ये जो है रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करें, सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रेवी है वो भी बहुत ही अच्छी बनी है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।